पूरा हिंदुस्तान ठंड से ठिठुर रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड बढ़ गई है। आज सुबह हुई बारिश ने तापमान को और भी नीचे खिसका दिया है। इससे पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का नतीजा माना जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में तापमान गिरने से लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर का तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। जम्मू कश्मीर समेत देश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। बड़ी तादाद में लोग जाम में फंस गए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगले 2 दिनों तक होने वाले इम्तहान भी टाल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बर्फीली तूफान की चेतावनी दी है और शिमला में भारी बर्फबारी हुई। चंडीगढ़ में भी मौसम और सर्द हो गया है। यहां लगातार बारिश होने की वजह से ठिठुरन बढ़ी है और ओले भी गिरे हैं बारिश के साथ। इसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई।